हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले वैक्स। अगर आप घर पे वैक्स बनाना सीख जाएंगे तो फिर आप मार्केट की वैक्स यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। बहुत इजी है वैक्स बनाना। तो उसके लिए मैंने चम्मच ली हुई है नापने वाली। आप कोई भी चम्मच या छोटी कटोरी यूज कर सकते हैं। बस उसकी जो मात्रा है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये देखिए, ये मैं 4 चम्मच अगर मैं चीनी लेती हूँ तो मुझे उसमें 1/4 यानी कि 1 चम्मच ही पानी ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए, 3 और ये 4 चम्मच चीनी हो चुकी है हमारी। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच ही पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, सिर्फ 1 चम्मच पानी ऐड करूँगी मैं इसमें। और इसके साथ ही ये नींबू, 1 नींबू, जब हम ज़्यादा वैक्स करते हैं तो 1 नींबू। ये थोड़ी सी ही वैक्स बना के मैं दिखाने वाली हूँ आपको, तो मैं इसमें आधा नींबू ऐड करूँगी। ये देखिए, ये बड़ा नींबू है इसलिए आधा ऐड करूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको निचोड़ दूँगी, आधा नींबू। अगर आप 1 कटोरी भर के वैक्स बनाते हैं तो आप उसमें 1 नींबू ऐड कीजिए। इसके बीज मैं जो है वो निकाल दूँगी। इनके बीज जो है मैं इनको निकाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, ये मैंने निकाल दी है बीज इसके। तो मैं इसको फिर, ये आप चाहें तो फ्राइंग पैन या कोई भी पैन इस्तेमाल कर सकते हैं, और या आप कटोरी में भी बना सकते हैं। इसमें मैं ऑयल गरम करती हूँ तो ये मेरे लिए बेकार कटोरी है। तो इसमें मैं ये वैक्स बना सकती हूँ और मैं इसको बराबर चलाती रहूँगी इस तरीके से। ये देखिए, ताकि ये चीनी आराम से घुल जाए और हमारी चंद मिनटों में वैक्स बन के तैयार हो जाए। और मैं इसको आपको अप्लाई करके भी बताऊँगी। तो इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो फ्राइंग पैन में बना सकते हैं, बट मैं यहाँ थोड़ी सी वैक्स बनाने वाली हूँ तो इसलिए मैंने कटोरी का इस्तेमाल किया है। इसको मैं चलाती रहूँगी बराबर। ये देखिए गाइस, ये ऐसा हो चुका है। ये वैक्स 1 मिनट तक ही हम इसको पकाएंगे। 1 मिनट में चीनी घुल के अच्छे से ये वैक्स बन के तैयार हो जाती है, 1 मिनट में ही। तो 1 मिनट बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, क्योंकि गरम, इतना गरम वैक्स यूज़ नहीं करेंगे। हल्का गुनगुना हुई वैक्स यूज़ करते हैं, बिल्कुल ठंडा भी नहीं, बिल्कुल गरम भी नहीं, हल्का गुनगुना ही वैक्स यूज़ करते हैं। उसके लिए हम कोई मोटा कपड़ा या जीन्स का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमारी वैक्स बन के तैयार है। 1 मिनट बाद तो इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये हल्की वैक्स हमारी गर्म हो चुकी है। तो मैं, ये स्टील का चाकू है मेरे पास, आप चाहें तो कोई भी चाकू या फिर उल्टी चम्मच से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारी ठंडी होके हो जाती है। तो मैं इसको अप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे, चाकू से या उल्टी चम्मच भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। ये देखिए, और इस पर कोई मोटा कपड़ा या फिर आप जीन्स का कपड़ा यूज कर सकते हैं और इसको हल्के से प्रेस कर देंगे इस तरीके से। फिर एकदम से इसको हम हटाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने ये वैक्स यूज़ की थी वहाँ पे बाल है नहीं है, रिमूव हो चुके हैं। ये देखिए, इस जगह से बाल है नहीं है। मैं आपको और थोड़ा बड़ा दिखा देती हूँ करके। ये देखिए, इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी कपड़ा जो आपके पास हो अवेलेबल, बट मोटा होना चाहिए कपड़ा, जीन्स का हो तो और भी बेटर है। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे इस तरीके से
और एकदम से ही छुटाएंगे। ये देखिए इस तरीके से प्रेस करके एकदम से ऐसे छुपाएंगे। ये देखिए जहाँ पे मैंने वैक्स लगाया था वहाँ पे हेयर एकदम रिमूव हो चुके हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे हेयर है और यहाँ पे हेयर नहीं है। ये देखिए यहाँ पे हेयर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ अभी वैक्स अप्लाई किया था। तो आप भी ट्राई कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।